पहली मूवी आई थी सन 1957 में तुमसा नहीं देखा। इसमें शम्मी कपूर, अमिता, अंजलि देवी और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1959 में आई थी दिल दे के देखो। इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें शम्मी कपूर, आशा पारेख, राज मेहरा, राजेंद्र नाथ थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1961 में आई थी जब प्यार किसी से होता है। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें देवानंद, आशा पारेख, प्राण थे। इस मूवी का बजट 42 लाख था। भारत में कमाई 90 लाख की हुई और दुनिया में 1,70,00,000 की कमाई बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1963 में आई थी फिर दही दिल लाया हूँ। इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, वीना प्राण थे। इस मूवी का बजट 35 लाख था। भारत में 1,50,00,000 की कमाई की दुनिया में 2,85,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली 1967 में आई थी बहारों के सपने। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेमनाथ, मदनपुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी प्यार का मौसम। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें शशि कपूर, आशा पारेख, निरूपा राय, भरत भूषण थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1971 में आई थी कारवां। इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन जी ने किया था। इसमें जितेंद्र, आशा पारेख, अरुण ईरानी थे। इस मूवी का बजट था 80 लाख रुपए। भारत में 1,80,00,000 की कमाई की दुनिया में 3,75,00,000 की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली 1973 में आई थी यादों की बारात। इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें धर्मेंद्र, जीना तमान, नीतू सिंह, विजय अरोरा लीड कास्ट में थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रुपए था। भारत में कमाई की 2,75,00,000 की दुनिया में 5,25,00,000 की कमाई की और बॉक्स ऑफिस से सुपरहिट करार दिया गया। अगली 1973 में आई थी आंगन। इसका डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें देव मुखर्जी, फरीदा जलाल, इंद्राणी मुखर्जी, नाजिर हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1977 में आई थी हम किसी से कम नहीं। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, जीना तमान, ओम पुरी, अमजद खान थे। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 था। भारत में 4,20,00,000 की कमाई की दुनिया में 8,50,00,000 की कमाई की और सुपरहिट रही। अगली 1981 में आई थी जमाने को दिखाना। इसका प्रोडक्शन डायरेक्शन नासिर हुसैन ने किया था। इसमें ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, अमजद खान थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में मंजिल मंजिल। इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन, प्रोड्यूस किया था नाजिर हुसैन ने। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1985 में जबरदस्त। इसको डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इसमें सनी देओल, जया प्रदा, तनुजा, संजीव कुमार, अमरीश पुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 1988 में कयामत से कयामत तक। इसके प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर नासिर हुसैन, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इसमें आमिर खान, जूही चावला, दिलीप ताहिर, गोगा कपूर, आलोक नाथ थे। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 था। भारत में 4,60,00,000 की कमाई की दुनिया में 6,00,00,000 की कमाई की बॉक्स पर सुपरहिट रही। अगली 1992 में आई थी जो जीता वही सिकंदर। इसका प्रोडक्शन और राइटर थे नासिर हुसैन, डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इसमें आमिर खान, आशा जुल्का, दीपक तिजोरी थे। इस मूवी का बजट 2,60,00,000 था। भारत में 4 करोड़ की कमाई की दुनिया में 10 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1995 में अकेले हम अकेले तुम। इसको डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। स्टोरी राइटर थे नासिर हुसैन। इसमें आमिर खान, मनीषा कोयराला थे। इस मूवी का बजट 8 करोड़ था। भारत में 7,06,00,000 की कमाई की दुनिया में 12,37,00,000 की कमाई की और फ्लॉप रही। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो फिर ये नासिर हुसैन सर जी का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।